दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th. घर तो जाना चाहते हैं. पहली बात तो लॉकडाउन से फंसे हुए, जब से लॉकडाउन हुआ तब से फंसे हुए. घर जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं रह गया. जिसका करके दे रहे थे वो भी नकार दिया. उसके बाद इससे अच्छा तो माँ बाप का सेवा करते तब भी सही रहता. खेतों में करता तो उसको अपने माँ बाप को खिला दिला सकता था. या नौकरी करके सेठ को पैसा दिया, सेठ भी कहाँ कहाँ काम कर रहे थे? तभी जी फैक्ट्री का नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले? यूपी के. आज कब वापस जा रहे हैं? यूपी मतलब फ़ोन मेरे पास आया कि आपको यदि गोरखपुर जाना है तो आ जाइए. मैंने पूछा कि बहुत से लोग हैं, बोला सबको ले कर आओ, तो सबको ले कर आया. यहाँ आने के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ. यदि हमें पहले पता होता कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो बता आके एक आदमी या दो आदमी आके रजिस्ट्रेशन करा लेते. उनने बोला कि सब लोग आ जाओ तो सब लोग आ गए. अब यहाँ आने के बाद पता चला कोई इधर कर जाओ, कोई कह रहा उधर जाओ, किधर जाए. अभी कहाँ ना कोई गाड़ी चल रही है कि अपनी जगह पे पहुँचेंगे. समस्या आ रही है बहुत. समस्या तो मत पूछिए, हमारे ऊपर नहीं, हर गरीब आदमी के ऊपर है. आपका नाम बताएं? कपीश सर. हम 23 मार्च को टिकट था हमारा जाने के लिए गांव. तो सर तब से फंसे हैं और खाने पीने का वही जो है कमा के रखे थे 3-4 हज़ार वही खा रहे हैं सर. और ये टिकट भी है सर, टिकट वाला पैसा भी नहीं दे रहा है सर, बोलता है मिला ही नहीं कि पैसा कहाँ से दूँ. समस्या आ रही है बहुत. समस्या सर, अभी रूम मालिक भी 1 महीने का किराया दिया कि दस व्यवस्था करके अभी 2 महीने का भी मांग रहा है सर, पैसा नहीं है. और साहब से भी दे रहा है पैसा खाने पीने का. वो अभी जा रहे हैं वापस कल? हाँ अभी कल सर. रजिस्ट्रेशन करवाया आज? हाँ आज करवाया सर. फिर हम लोग बोला कि आ जाओ वहाँ पे, आज ही ट्रेन है. तो सर इसके लिए हम रूम खाली करके चले आए. अच्छा. अभी सर कहें यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, रूम पे भी अभी नहीं दोबारा जा सकते सर. अच्छा. अभी कहाँ रह रहे? अभी रह हम खानपुरा व्यवहार. यूपी के रहने? हाँ सर. ठीक. आपका नाम बताओ? आलम अंसारी सर. स्टेडियम के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था प्रवासी मजदूरों का. बाद रजिस्ट्रेशन ये अलग अलग इलाकों से एक एक दो दो इकट्ठे हुए थे. इकट्ठे होने के बाद ट्रेन का जब इनको पता चला कि कल आएगी ट्रेन, आज नहीं आएगी, तो इस पर ये करीब 30-40 जने इकट्ठे होकर अलग अलग ग्रुप में जा रहे थे. जब हमें पता चला तो हम लोग इनको यहाँ गुजराती स्कूल में लेके आए, इनकी व्यवस्था कराएंगे और जहाँ भी इनका सेंटर खाली होगा उस जगह इनको बस मंगवा लिए, बस में बिठा के भिजवाएंगे. जब तक इनकी सुरक्षा और सुविधाओं के हिसाब से इनको यहीं रोकेंगे.